न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चौपाल में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने राहुल गांधी की तारीफ भी की। चिराग, छोटा सा सवाल, राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? उनमें एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हाल के दिनों में देखने को मिला। तो ये माना जाए कि वो जो परिवर्तन दिख रहा है सकारात्मक, वो साफ है, बहुत क्लियर है। और देखिए, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, आप मेरे किसी भी वाक्य को सीधा निष्कर्ष पर लेकर ना जाएं। हाँ हाँ, कोई निष्कर्ष पर समय तो लगता ही है। हम लोग चाह रहे हैं गठबंधन के भीतर बातचीत हो और सही ढंग से हो, बस कि मेरे किसी भी वक्तव्य को आप सीधा। वेरी वेरी शॉर्ट। एक सप्ताह पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का साथ छोड़ा और वो महागठबंधन में जा सकते हैं, और अब चिराग पासवान भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले कुशवाहा ने एनडीए छोड़ा, दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, चिराग पासवान भी खुश नहीं है। पहले टीडीपी, फिर आरएलएसपी और अब एलजेपी के चिराग पासवान की जिस तरह की बातें हैं वो भी कुछ टूट के संकेत ही दे रहे हैं। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या देखा जाए, ये एनडीए में क्या एक और टूट के संकेत मिल रहे हैं? पहले टीडीपी, फिर आरएलएसपी और अब एलजेपी। देखिए, अंतिम फैसला एलजेपी का क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो पिछले 2 से 3 दिनों से चिराग के बयान हैं उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो जानते हैं कि कुशवाहा अभी एनडीए से निकल चुके हैं और उनके पास सुनहरा मौका है कि जो उनको पहले 3 सीटें मिल रही थी अब उसको 5 से 6 या 7 भी कर ले। तो जो ये बयान है कि हमें सम्मानजनक स्पेस दी जाए, बार्गेनिंग के लिए ये किया जा रहा है, कमोवेश ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये इसको प्रेशर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि अब कुशवाहा के जाने के बाद जो जगह खाली हुई है कहीं उस पर जेडीयू और बीजेपी अपना दावा न ज्यादा बढ़ा दे, तो इसके लिए वो बयान ये दे रहे हैं, इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके के बयान हम अब उसकी अपेक्षा कर सकते हैं, और न केवल छोटे पासवान बल्कि रामविलास पासवान से भी ऐसे ही बयान से हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में। बल्कि कल तो कुशवाहा ने भी ट्वीट करके ये सलाह दी है कि अब ये वक्त आ गया है कि एलजेपी को एनडीए से बाहर हो जाना चाहिए। शुक्रिया अमित, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका।